5 रुपए किलो जगह नहीं है, बीमारी लोग बैठे बैठे बीमार हो रहे हैं। ताकि मंडी को जितना जल्दी हो सके नई मंडी में शिफ्ट किया जाए। हाँ, जगह नहीं मिलती, माल नहीं बिकता सही हमारा। मंडी वहाँ जाएगी तो हमारा माल बिकने लगेगा। परेशानी उनका किराया, दुकानें बेकार हो जाएगी। वहाँ 4 बार हम सर्वे कर ली, सड़कें बन गई है और इतनी भीड़ है, गाड़ियाँ खड़ी है, पैर रखने जगह नहीं है। टमाटर बिक जाएगा तो हाई ऑयल मच जाता है, टमाटर तेज हो गया। दोस्तों, हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी के अंदर किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, और परेशानी का आखिर कारण क्या है, क्यों है परेशान व्यापारी और किसान, इन तमाम बातों पर हमने आज यहाँ पर सर्वे कर जानने का प्रयास किया कि आखिरकार सब्जी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की क्या है समस्या। बताएंगे आपको पूरी समस्या इस रिपोर्ट के जरिए, तो बने रहें हमारे साथ। इतनी भीड़ है कि पूछ मंडी के देख लो, दुकानें सारी 15-20 और 60-70 आड़ती हैं। बहुत भीड़ है, पैर रखने जगह नहीं है, बीमारी लोग बैठे बैठे बीमार हो रहे हैं, ये हालत हो रही है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि मंडी को जितना जल्दी हो सके नई मंडी में शिफ्ट किया जाए। वहाँ 4 बार हम सर्वे कर ली, सड़कें बन गई है और कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन जानबूझ को लटका जा रहा, हमारा जानबूझ को लेट कर रहा है। पता नहीं क्या प्रशासन मिलता है, हम पैसे भरने को तैयार है, हमें दुकान अलॉट की जाए, हम वहाँ चले हैं। पर हमारी फिर निवेदन है कि जो ये माहौल मंडी में देख रहे हो आप, इतनी भीड़ है, गाड़ियाँ खड़ी है, पैर रखने जगह नहीं है। हम लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, किसानों माल छोड़ रहा है। आप देख लो, जगह नहीं है, माल कहाँ बिकेगा? ये देखो आप, किसान माल छोड़ रहा है, ये आलू बुखारा, ये लीची, सारी याद नहीं आने के कारण जगह नहीं है, सारा माल छोड़ गया। वो मौसमी देखो, ये आम छोड़ गया, नहीं बिक रहा क्योंकि प्रॉपर ग्राहक नहीं पहुँच पाता। पचास पुनः निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके मंडी वहाँ शिफ्ट की जाए। सड़कें बन गई, हमारा आड़ती है, पैसे भरने को तैयार है, हमसे पैसे ले जाए, दुकान ऑर्डर करो, हम 2 महीने के अंदर मंडी बना देंगे, दुकानें बना देंगे। किसकी कमजोरी मानते हैं? कमजोरी प्रशासन की कमजोरी है, वो जानबूझकर मिलेट लटका जा रहा है। कलेक्टर साहब कृषि साहब थे, उन्होंने बहुत छप लगे एक्टिव किया, सड़कें बनवा दी। अब पता नहीं वर्तमान में कलेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब या कोई हमारा कृषि मंत्री क्यों लेट कर रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। किसान लोग परेशान हो रहे हैं, सब्जियाँ नहीं बिक रही, सड़ रही है। और कोई एक आधा चीज टमाटर बिक जाएगा तो हाई ऑयल मच जाता है, टमाटर तेज हो गया, टमाटर पीछे पैदावार कम है, टमाटर नहीं आ रहा तो उसके कारण तेज है, नया की कोई यहाँ पर ब्लैकमेलिंग हो रही है। सिर्फ एक आइटम है जो तेज है, बाकी सारी आइटम सड़ रही है। प्याज 20 रुपये पड़ता है, 14 रुपये जमींदार बिक रहा है, जमींदार रो रहा है कि क्या करूँ मैं, 8 रुपये किलो लागत है उस बेचारे की। ककड़ी 4 रुपये लागत है, 6 रुपये बिक रही है, सड़ रही है, बिक नहीं रही, बिक जाए हमें कोई दुख नहीं, चल भी बिके बेचारे को पैसे मिल जाए। सिर्फ भीड़ के कारण है, ये सिर्फ हनुमानगढ़ मंडी के अंदर ही है और हर मंडी में माल बिक चुका है 8 बजे तक, और हम अभी तक बैठे हैं, माल बिका। नाम शीतल दास, नानकानी। व्यापारियों को कहना है कि हनुमानगढ़ जंक्शन बाईपास पर सब्जी मंडी 2020 में निर्माणाधीन की गई थी, और निर्माणाधीन होने के बाद अभी तक व्यापारियों को वहाँ पर दुकानें अलॉट नहीं की गई हैं। सरकार पर उन्होंने रोक लगाया कि डिलमोल नीति के कारण व्यापारी यहाँ परेशान, जगह कम है, यहाँ पर जो सब्जी है बिकती नहीं है, जगह के कारण ग्राहक आता नहीं है, और तमाम बातें जो है बताई उन्होंने, परेशानियाँ बताई। वहीं दूसरी ओर जब किसान से बातचीत की गई तो सब्जी मंडी की समस्या के प्रति किसान का आखिरकार क्या कहना है, वह भी सुनिए। बाहर जानी चाहिए वहाँ, तब हमारा कोई होगा। हाँ, जगह नहीं मिलती, माल नहीं बिकता सही हमारा, दाम नहीं मिलती पूरे। कहाँ से आते हो आप बेचने? राम सिंह डाणी से। क्या लाए थे आज? आज लोहिया लाए हैं। लोहिया लाए हैं, मतलब आपका कहने वो जगह कम है इसलिए नहीं बिकती। वहाँ जाएगी तो हमारा माल बिकने लगने, अच्छा जगह भी मिलेगी हमारे। आप बताइए, ये दुकानों वालों का कारण है, सेठ होगा और कुछ कारण नहीं है। सेठ जाना नहीं चाहते? हाँ, सेठ जाना नहीं चाहते, ये मिले हुए हैं सब, मिले हुए हैं। पीछे तो कह रहे हैं मंडी जानी चाहिए, सब तैयार है। नहीं कह रहे, नहीं कह रहे, क्यों नहीं जाना चाहते? ये माली सब कह देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम बिकी हैं सब। परेशानी उनका किराया, दुकानें बेकार हो गई, ये जचे हुए हैं, कई सालों से जमे हुए हैं, दुकानें फेल हो जाएगी। अब माल लेके आते हो, क्या आपको मंशा के अनुसार भाव मिलता है? हमारे को एक तो जगह ही नहीं मिलती, फिर मंदा मिलता है, आपकी मर्जी करते ही, और वहाँ खुद ही जगह होगी तो हमारी मर्जी चलेगी, वहाँ राम पूरा मिलेगा हमारा। बहादुर सिंह, कहाँ से आते हो? राम सिंह डांड।
किसान ने आरोप लगाया कि जगह कम होने के कारण हमारा जो सब्जी लाते हैं वह बिकती नहीं है। वहीं दूसरी और उन्होंने यहाँ के दुकानदारों पर आरोप लगाया कि वे वहाँ नई सब्जी मंडी के अंदर जाना ही नहीं चाहते, जबकि व्यापारी कह रहे हैं कि हमें दुकानें अलॉटमेंट की जाए। तो चलिए, एक शख्स का इस सब्जी मंडी के बारे में क्या कहना है वह भी आपको सुना देते हैं। पूरा सिस्टम बन गया, फिर जाएंगे पानी बिजली दुकानें हैं, ऐसे क्या जाएंगे जानी चाहिए, पूरी फिर जाएंगे दुकानें बन गई, दुकानें बन गए, माल का बिजली पानी दुकानें बन गई, दुकान बना के देंगे गवर्नमेंट, पहले से पहले डॉक्टर हम बना के देंगे करने का, डॉक्टर राम प्रताप जब वो था वो उद्घाटन कर गया, वो करेगा, वो कर गया था, अच्छा पहले कर गया, अब कौन करेगा उद्घाटन, अब जो करे जिसकी पार्टी वो करेगी। किसान भाइयों, मजदूरों ने अपनी समस्या बताई है, व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई है, किसानों ने अपनी समस्या बताई है कि हमें इस सब्जी मंडी जो जंक्शन बाजार के अंदर चल रही है इससे परेशानी हो रही है। अब देखना यही है कि तमाम समस्याओं को देखते हुए सचिव कृषि उपज मंडी और जिला प्रशासन और राजनीतिज्ञ जो सत्ता में हैं वे इस सब्जी मंडी को कितनी जल्दी शिफ्ट करने का प्रबंध करवाते हैं, यह सब देखने वाली बातें होंगी। हमारा काम है लोगों की मांग को उठाना, लोगों की परेशानी को उठाना। तो चलिए दोस्तों, हमारा काम है समस्या को बताना और उठाना, और प्रशासन और जो सत्ता में बैठे हैं राजनीतिज्ञ उन तक बात को पहुंचाना। हम तो बात समस्याओं की और लोगों की जो पीड़ा है लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आगे प्रशासन को देखना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रबंध करने हैं। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से राम राम।